हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाउ टू से इन इंग्लिश, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे कहें या बोले। जैसे दिन में सपने देखना छोड़ दो, वह दिन में सपने देखता है, मैं दिन में सपने नहीं देखता हूँ। तो ऐसे वाक हम अपने डेली लाइफ में सुनने को मिलता है और हम लोग ऐसे वाक किसी को बोलते भी हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है डे ड्रीम। डे ड्रीम मीन्स होता है दिन में सपने देखना। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा गया है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब होगा टेंस के अनुसार तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद डे ड्रीम लिखेंगे। तो देखिए पहला वाक्य है वह दिन में सपने देखती है, वह दिन में सपने देखती है। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है सी डे ड्रीम्स, सी डे ड्रीम्स। अगला वाक देखिए दिन में सपने मत देखो, कोई कह रहा है उसको दिन में सपने मत देखो, डोंट डे ड्रीम, डोंट डे ड्रीम। अगला वाक देखिए दिन में सपने देखना छोड़ दो, दिन में सपने देखना छोड़ दो, स्टॉप डे ड्रीमिंग, स्टॉप डे ड्रीमिंग। अगला वाक देखिए दिन में सपने क्यों देखते हो, दिन में सपने क्यों देखते हो, ऐसा कोई इसको कह रहा है, वाई डू यू डे ड्रीम, वाई डू यू डे ड्रीम, दिन में सपने क्यों देख रहे हो। गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाक कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ समझ में आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग नए नए एडवांस इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।